कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झूठ बेचने का काम किया है और काट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो इस लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से संविधान को हाथ में लेकर उन्होंने झूठ बोलने का काम किया, जिस प्रकार से मंचों पर सार्वजनिक सभाओं पर उन्होंने बोलने का काम किया कि भाजपा आएगी संविधान को खत्म करेगी, इस प्रकार की जो बड़ी झूठ कांग्रेस ने बोली है, अब ये इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की झूठ बिकने वाली नहीं है। और कांग्रेस का जो शासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा है, उस समय में जिस प्रकार से जातिवाद, क्षेत्रवाद, अराजकता का माहौल हरियाणा प्रदेश में था, उसको जनता भूली नहीं है। जिस प्रकार से मिर्चपुर जैसे कांड हुड्डा राज में हुए थे, वो देश की जनता भूली नहीं है। और जिस प्रकार से वो आज घूम रहे हैं कि हम हिसाब मांग रहे हैं, इसका हिसाब जनता ने 2014 में भी दिया था, 2019 में भी दिया था, और अब 2024 के चुनाव में भी हरियाणा प्रदेश की जनता इसका जवाब देगी। सर, माना जाता है कि टिकट कहीं ना कहीं जो टिकट बंटवारा होता है उसमें गलती की वजह से कुछ सीटें भाजपा हार गई, इस बार भी टिकट आपकी अभी लंबी लाइन है, तो आपको लगता है कि जिनकी टिकट कटेगी वो कहीं ना कहीं बगाव किसी में? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता बिल्कुल बगावत नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए काम करता है और राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की जीत राष्ट्र की जीत होगी।